टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम इंडिया को अगला आईसीसी इवेंट जो खेलना है वो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025। और श्रीलंका दौरे के लिए जो वनडे स्क्वाड अनाउंस हुआ और गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओडीआई टीम का एक रोड मैप जो सामने आया है उससे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल 15 नाम भी सामने आ गए हैं काफी हद तक। तो वो कौन से 15 खिलाड़ी हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे, मैं इस वीडियो में बता देता हूं और आप सेलेक्टर बनिए और चैंपियंस ट्रॉफी के 15 अपने नाम कमेंट करके हमें बताइए। तो देखिए इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आएगा कप्तान का, रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक व्हाइट बॉल में वनडे में कप्तान रहने वाले, तो सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का। नंबर दूसरा नाम इंडियन क्रिकेट टीम के नए वाइस कैप्टन शुभमन गिल का। शुभमन गिल ने पिछले 1.5-2 साल में बहुत ही शानदार क्रिकेट खेला है और जिसका इनाम बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं ने उनको ओडीआई का वाइस कैप्टन बनाकर दिया है। तो भैया पहले दो नाम कप्तान का और दूसरा नाम उपकप्तान शुभमन गिल का। नंबर तीन पर आएंगे विराट कोहली द किंग, विराट कोहली द रन मशीन, जिन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट में जब भी मैदान पर उतने खूब रन बनाए हैं। टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं लेकिन वनडे टेस्ट खेलते हुए नजर आएंगे और आपको विराट कोहली के बल्ले से अब चौके छक्कों की बड़ी बारिश आईसीसी इवेंट में चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएगी। तो आपके तीन बड़े नाम रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, ये मेरे नाम है। आपके नाम जो कहें कमेंट करके बताएं, कैप्टन वाइस कैप्टन कंफर्म है और विराट भी कंफर्म है। उसके बाद नंबर चार पर केएल राहुल, अब कहां खिलाना है वो तो बाद में डिसाइड होगा लेकिन केएल राहुल ने जिस अंदाज में पिछले 1.5-2 साल में वाइड बॉल क्रिकेट खेला है, या फिर स्पेशली मैं बात करूं 2023 वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने बहुत रन बनाए थे और केएल राहुल श्रीलंका दौरे के लिए पहले विकेट कीपर चॉइस है, तो उसमें कोई सवाल नहीं है केएल राहुल की बल्लेबाजी पर, केएल राहुल की विकेट कीपिंग पर, तो वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर ओडीआई में कंफर्म है। नंबर दो पर वैसे तो यहाँ पे संजू सैमसन होने चाहिए थे लेकिन ऋषभ पंत इसलिए हैं क्योंकि ऋषभ पंत को भाई आपने ओडीआई टीम के लिए सेलेक्ट किया श्रीलंका के लिए, तो फिर मैंने भी कर लिया। आपका जो नाम है आप कमेंट करके बता सकते हैं, संजू सैमसन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद श्रेयस अय्यर की वापसी हो गई है ओडीआई टीम में, इनको थोड़ा सा बाहर रहना पड़ा, इनसे एनुअल कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया गया लेकिन अब श्रेयस अय्यर वापस आ गए तो वापस आएंगे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में, तो ऐसे में श्रेयस अय्यर के ऊपर भी कोई सवाल नहीं है। तो ये मेरे टॉप 6 हो गए, आपके टॉप 6 आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर पहले ऑलराउंडर इस टीम में हार्दिक पांड्या। वैसे तो खबरें ये आ रही हैं कि हार्दिक कंफर्म नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी पर, लेकिन मैं आपको आज लिख कर दे रहा हूँ जितनी भी खबरें उड़ाई जा रही हैं, जो भी अगरकर साहब आकर बोल लें, कोई भी कुछ बोल लें, हार्दिक हर हाल में आपके पहले ऑलराउंडर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। आज भी आपके पास हार्दिक पांड्या का ना गेंदबाजी वाला विकल्प है और ना ही बल्लेबाजी वाला विकल्प है, तो ऐसे में सातवां नाम हार्दिक पांड्या का। आठवां नाम रविंद्र जडेजा का, क्योंकि चयनकर्ता ने कंफर्म कर दिया, आकर गौतम गंभीर ने कंफर्म कर दिया कि उनको हमने बाहर नहीं किया, उनको छुट्टी दी गई है और 2023 उनका वर्ल्ड कप अच्छा गया था, तो ऐसे में रविंद्र जडेजा मेरी टीम में आठवां नाम होंगे। फिर जडेजा से ही मिलते जुलते खिलाड़ी अक्षर पटेल, जो श्रीलंका दौरे पे दोनों टीमों में सेलेक्ट किए गए हैं और अक्षर पटेल का जो राइज हुआ है पिछले 1.5-1.5 साल में, चाहे टी20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, वो कमाल का परफॉर्मेंस रहा है और अक्षर पटेल के टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो 40+ रन आए थे, बहुत दमदार पारी थी, तो ऐसे में अक्षर पटेल मेरी इस टीम में नौवां नाम है चैंपियंस ट्रॉफी, आप हमें अपने नाम कमेंट करके बताते चलिए। फिर गेंदबाजों की लिस्ट, कुलदीप यादव मेरा पहला नाम, स्पिनर प्रॉपर स्पिनर कुलदीप यादव, वैसे दो अक्षर पटेल जडेजा हैं और तीसरा स्पिनर कुलदीप यादव मुझे लगता है बहुत है। फिर आपके जसप्रीत बुमराह, ये भले लंका जाएं या ना जाएं, कोई और ओडीआई सीरीज खेलें या ना करें, कोई टी20 सीरीज खेलें या ना खेलें, लेकिन हर बड़े आईसीसी इवेंट में जसप्रीत बुमराह का नाम कप्तान से पहले भी टिक मार्क कर दो। उसका अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह का परफॉर्मेंस टी20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा रहा, सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने लिए और अब मुझे लगता है कि अर्शदीप को भी आपको क्रिकेट के हर फॉर्मेट में खिलाना चाहिए और अगर वो आगे चल के रणजी खेलते हैं, दिलीप ट्रॉफी में आपको खेलते नजर आते हैं, फिर धीरे से कोशिश होनी चाहिए कि उनको ग्रूम किया जाए, किसके लिए उनको ग्रूम किया जाए, टेस्ट क्रिकेट के लिए भी। तो ये मेरे 12 नाम हो चुके हैं कुलदीप, बुमराह और अर्शदीप सिंह को मिलाकर। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाज,
T20 वर्ल्ड कप में जब तक अमेरिका में इंडियन टीम खेली वहाँ इनको मौका मिला खेलने का, और अभी फिलहाल ज़्यादा मौका मुझे लग रहा है कि और मिलना चाहिए, अभी दम है इनमें वो खेलने वाला। तो ये आपके तीन तेज गेंदबाज होंगे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल, मैं इनको एज अ बैकअप ओपनर लेके जाना चाहूँगा। फिलहाल तो इनको ODI टीम में नहीं चुना गया, लेकिन जब ICC इवेंट होगा तो उसमें आपको एक बैकअप खिलाड़ी ओपनर लेके जाना ज़रूरी है। तो ऐसे में यशस्वी जायसवाल वो बैकअप ओपनर हो सकते हैं, और शिवम दुबे को भी सेलेक्ट किया गया लंका दौरे के लिए, और ऐसे में शिवम दुबे भी मेरी उस टीम में जगह पाएंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 15 होगी। फिलहाल मोहम्मद शमी की फिटनेस के ऊपर सवाल है, अगर शमी फिट हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक चॉइस हो जाते हैं टीम में आने के। युजवेंद्र चहल को बाहर कर दिया गया है, ODI वनडे T20 में कहीं पे भी सेलेक्ट नहीं किया गया, तो फिर वो भी इस टीम में नहीं आ पाए हैं। रवि बिश्नोई, मुझे नहीं लगता कि कुलदीप, अक्षर और जडेजा के रहते इस टीम में आ पाएंगे। वॉशिंगटन सुंदर भी इस विचार में थे, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होंगे। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल 15 है। एक बार पीछे से बता दूँ, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और KL राहुल, विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी 25 के ये मेरे फाइनल 15 हैं। आपके जो फाइनल 15 हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।